जानते हैं कि बल्ब हमारे कमरे को उज्जवल करता है, गर्म आयरन हमारे कपड़ों को प्रेस करने के काम आती है, साथ ही हीटर हमारे कमरों को गर्म रखने में मदद करता है। इन सब उपकरणों को देखें तो एक चीज सभी में सामान्य मिलेगी, ये तीनों उपकरण विद्युत की उपस्थिति में गर्म होना शुरू हो जाते हैं। तो ये उपकरण का गर्म होना किस कारण और कैसे होता है? शायद आप सोच रहे होंगे कि इन उपकरणों में कुछ तो खास होता होगा जिस कारण ये गर्म हो जाते हैं। हाँ, ऐसा होता है, जैसे बल्ब में फिलामेंट, आयरन में हीटिंग एलिमेंट और हीटर में हीटिंग कॉइल। लेकिन अगर इन उपकरणों में कुछ खास होता है तो विद्युत से चलने वाला पंखा बंद होने के बाद छूकर देखने पर गर्म क्यों लगता है? क्यों फ्रिज की एक साइड हमेशा गर्म रहती है? मोबाइल चार्जिंग पर लगाने पर चार्जर क्यों गर्म हो जाता है? टेलीविजन की दोनों साइड गर्म क्यों रहती है? इनमें तो कुछ गर्म करने वाली खास चीज भी नहीं। तो फिर ऐसा होने का कारण क्या है? शायद आप कंफ्यूज हो गए हैं। आज की इस वीडियो में आपको अपने कंफ्यूजन का जवाब मिल जाएगा। विद्युत से चलने वाले उपकरण के गर्म होने के पीछे एक ही कारण है, जिसे हम विद्युत धारा के तापीय प्रभाव एवं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं। जी हाँ, विद्युत धारा के गमन करने की वजह से उपकरण में तापीय प्रभाव पड़ता है। ये तापीय प्रभाव और किसी वजह से नहीं बल्कि ऊर्जा एवं ऊर्जा के बदलाव के कारण होता है। विद्युत से आने वाली ऊर्जा कुछ तो उपकरण को चलाने में उपयोग होती है और बाकी की ऊर्जा ताप की शक्ल में उपकरण से बाहर निकल जाती है। यदि विज्ञान की भाषा में देखें तो हम जानते हैं कि किसी भी विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में किए गए कार्य को विभवांतर कहा जाता है। तो अगर संपूर्ण कार्य लिया जाए, जिसे टोटल वर्क डन भी कहते हैं, उसे हम W से दर्शाते हैं। भौतिक विज्ञान में हमने ये भी पढ़ा है कि किसी भी चीज पर किया गया कार्य ऊर्जा में आए बदलाव के बराबर होता है। तब हम कह सकते हैं कि विद्युत से आने वाली ऊर्जा इस कार्य के बराबर होगी, जिसे H से दर्शाया जाता है। यदि समीकरण की RHS को T से गुना और भाग करें, तो कुछ ऐसा समीकरण मिलेगा। और ओम के नियम के द्वारा V का सूत्र लगाने के बाद कुछ ऐसे समीकरण की प्राप्ति होगी। इस समीकरण को जूल के तापन नियम या जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के नाम से जाना जाता है। इस नियम से ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि चालक में हीट की मात्रा विद्युत धारा के वर्ग के आनुपातिक, प्रतिरोध के आनुपातिक और समय के भी आनुपातिक होती है। यदि इसे आयरन के उदाहरण से समझा जाए तो पता चलेगा कि आयरन में कॉइल होती है जिसमें प्रतिरोध रहता है। वोल्टेज के आने से इस कॉइल में प्रतिरोध एवं विद्युत धारा बढ़ता एवं घटता है, जिस कारण से हीट भी बढ़ती और घटती है। साथ ही जितना समय आयरन ऑन रहेगा उतना ही ज्यादा गर्म होता रहेगा। तापीय प्रभाव के अलावा पावर भी विद्युत में एक बड़ी अहम भूमिका निभाता है, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे।